किस राय के अंदर आपने देखा कि एनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, दो दो आईटीआई, ये तमाम संस्था घर बना लेते हैं और बरसात का पानी निकल नहीं पाता है। जब पानी जमा होता है तो उसकी परेशानी झलकती है। राजद कांग्रेस के लोग शासन किए लेकिन वो नहीं विकास किए। आज आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। मैं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी हम लखीसराय विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ जो है श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा जी जो है जनसंपर्क अभियान में आए हुए हैं, तो इसी मुद्दों को लेकर, लखीसराय विधानसभा के मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे कि सर आगे का मतलब क्या रणनीति है आपका, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुकी है। देखिए, अपने विधानसभा के अंदर हम लोग लगभग 1,150 करोड़ का काम किए हैं जी, और जहाँ नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वैसे क्षेत्र में वहाँ के वार्ड पार्षद या मुखिया जी के द्वारा जो काम है, जैसे कि जल 7 नीचे के तहत नली गली, हर घर नल जल की व्यवस्था, वो सब कुछ समस्याएं आ रही है, इसको भी हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर करके और सो समय पूरा करेंगे। आज कई गली नली को भी हम लोग इस मोहल्ले में बनवाए हैं जी, लेकिन यहाँ जल की निकासी अतिक्रमण कर करके लोग मकान बना लेते हैं जहाँ जल जम जाता है, जिसके कारण लोग परेशान बाद में होते हैं। आज जनसंपर्क अभियान आप कर रहे हैं, लेकिन आप जिस गली से, जिस नली से चल रहे हैं, उस नली की स्थिति पूरी तरीके से जर्जर है। नहीं, उसी लिए तो नहीं, जर्जर नहीं है, आपने देखें कि ढलैया किया हुआ है नली, बारिश अभी हुआ है, बारिश के कारण पानी है। आप देखिए कि सारा गली पीसीसी किया हुआ है, सारा गली पीसीसी किया हुआ है जी जी, इसलिए ऐसा नहीं है, बारिश में तो ऐसे भी पानी पड़ता है तो थोड़ा परेशानी। आप देखिए कि सारा का सारा गली आप का पीसीसी क्या, अभी उधरे हम लोग 8 लाख देकर के तुरंत पीसीसी करवाए हैं जी जी, लेकिन है कि ये नगर के द्वारा होता है, उन लोग को थोड़ा हम लोग कहेंगे कि इसको विशेष तौर पर देखो। अभी जो है आपके सामने एनडीए के ही कई प्रतिद्वंदी आपके सामने मतलब दावेदारी दे रहे हैं। एनडीए के प्रतिद्वंदी, एनडीए तो एक ही होगा जी जी, प्रतिद्वंदी यहाँ कहाँ होगा। नहीं, आप एनडीए से सर हैं और आप ही के एनडीए से कई अपने आप को दावेदार बता रहे हैं कि इसमें तो दिए कि दावेदार तो बताने के लिए जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक कई लोगों की दावेदारी और पहचान बनती रहेगी जी, ठीक है। आपके तरफ से ये 10 साल से आप लखीसराय विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या आपके तरफ से क्या क्या मतलब कार्य किया गया? हमने बताया 10 साल के अंदर 1,150 करोड़ का काज हुआ जी। आज लखीसराय के अंदर आपने देखा कि एनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, दो दो आईटीआई, ये तमाम संस्था दिया गया, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के ब्लड बैंक से लेकर के, अब 202 सड़क, बड़ी बड़ी सड़क शहरी क्षेत्र के अंदर नली गली, ये वार्ड पार्षद के माध्यम से होता है जी। जिला ये नगर परिषद है, नगर परिषद के वार्ड पार्षद ये लोग करते हैं, 7 नीचे के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल ही 8 लाख से ज़्यादा मेन सड़क से उधर से आने में हम लोग अपना फंड से पीसीसी करवा दिए। अब यहाँ नाला की पानी जो जमा रहता है, हमने एक मास्टर प्लान के तहत कहा है कि एक नाला बनाया जाए, क्योंकि अतिक्रमण करके लोग घर बना लेते हैं और बरसात का पानी निकल नहीं पाता है, जब पानी जमा होता है तो उसकी परेशानी झलकती है, तो इसके लिए प्लानिंग वे में आप घर बनाएं तो कम से कम जगह नाला के लिए छोड़ें और वो नाला का निकास हरोहर नदी तक आगामी आगामी बिहार का विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है 2020 में, इसके लिए आपके पास कोई मतलब योजनाएं बना के रखे हुए हैं विकास की अपने रोड मैप? देखिए, एक चीज बता देते हैं, एक चीज बता देते हैं कि ये एनडीए की सरकार ही विकास करती है जी। यूपीए की सरकार 60 वर्ष तक राजद कांग्रेस के लोग शासन किए लेकिन वो नहीं विकास किए। आज लोगों की अपेक्षा विकास की है तो एनडीए सरकार से है, हम लोगों से है, और आज बहुत हद तक हर घर तक बिजली, हर घर तक पक्की नली गली की व्यवस्था, हर घर तक उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
और आगे जो कमी है, चुनौती बड़ी है, आबादी बढ़ रही है और जब नई आबादी बस रहे हैं तो कई नई चुनौती खड़ा होगा। इस चुनौती का समाधान हम लोग करेंगे और सरकार पंचायत की व्यवस्था हो, नगर पंचायत की व्यवस्था हो, नगर परिषद की व्यवस्था हो, उसमें भी समाधान करेगी। लेकिन अपने बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन के लिए आज मेरा ज़िला के अंदर हर टेक्निकल कॉलेज है, दो दो ITI से लेकर के पॉलिटेक्निक से लेकर के NM कॉलेज, GNM कॉलेज, पारा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम शैक्षणिक संस्था है, ब्लड बैंक है, हमको पोस्टमार्टम हाउस है, हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है और 202 से बड़ी सड़कें हम लोग बनवाए हैं। सर एक अहम क्वेश्चन है आपसे कि लखीसराय और बढ़िया ये अभी भी जाम का स्थिति काफ़ी मतलब खतरनाक होता है, लोग बढ़ते ही जा रहा है जाम की, और वहीं पर स्थित बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो कि बिहार का प्रसिद्ध मंदिर के रूप में है, लेकिन उस वो भी वहां की स्थिति जस का तस बना हुआ है। आपको बता दें कि महाजाम के लिए लखीसराय शहर फेमस था जी, 142 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ओवर ब्रिज और सड़क हमने बनवाया। अभी हमने अपने जिला मुख्यालय से चले हैं और 10 मिनट में यहाँ पहुँच गए। अभी हमको पहले 45 मिनट शहर पार करने में लगता था, आप भी आए हैं तो शहर से 45 मिनट और बाईपास से 10 मिनट। तो महाजाम से मुक्ति के लिए 142 करोड़ हमने दे करके बनवाया है और बरहिया के लिए भी आपका दियारा क्षेत्र से होकर के एक बाईपास बन रही है जो पास हो चुका है। इसलिए सरकार हर दृष्टिकोण से आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था बदल रही है। धन्यवाद सर। सर आपने सुना कि श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा जी ने कहा कि यहाँ सिर्फ अगर कोई विकास किया है तो वो NDA की सरकार क्या है, आगे भी विकास NDA की सरकार ही करेगी। धन्यवाद, इसी तरह देखते रहें स्वराज भारत लाइव। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।